कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 82। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा, बिल्कुल भाई, अब इधर महादेव जी एक बना रहे हैं मोती, लेकिन उधर से आप देख ले कि एक प्रजापति दक्ष भी सोच रहे हैं कि अगर ये इन्होंने कर दिया तो मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। एंड कर दिए। प्रजापति कितने खुश हो रहे हैं। आपने कर दी है, इसके साथ लेके आए। एंड कर चीज के कला। वो प्रजापति खुश हो, चमत्कार कर दिया आपने, ये तो आश्चर्यजनक है। ए चमत्कार देखने तो मैं यहाँ चली आई। आपने बिना देखे ही मेरी पुत्री की मूर्ति बना दी। ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं यहाँ खड़ी है। धन्य प्रभु, धन्य धन्य। तुम्हारी कल्पना और मेरी प्रेरणा ने इस रचना को साकार किया है। आपके इस कार्य के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। क्या अब मैं आपके सामने अपने विचार कह सकता हूँ? नहीं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी पुत्री सती का विवाह अंगीरा ऋषि के पुत्र सतभीष के साथ करने जा रहा हूं, परंतु सतभीष बहुत ही कुरूप है। ब्रह्मा जी ने आपकी अलौकिक शक्तियों के बारे में मुझे बताया था, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आप सतभीष की एक रूपवान मूर्ति बना दें, ताकि सतभीष भी रूपवान बन जाए। यदि तुम्हें रूपवान दामा चाहिए तो रूपवान वर ढूंढो अपने पुत्री के लिए। स्वामी, ये प्रजापति दक्ष है, इनकी पुत्री सती शिव से प्रेम करती है, परंतु ये शिव से घृणा करते हैं। सतभीष से सती का विवाह रचना इसी घृणा का परिणाम है। अवश्य ही ये विवाह सती के इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। ये सत्य नहीं है। ये विवाह मेरी पुत्री की पूर्ण सहमति से हो। प्रजापति को कैसे? मेरी पत्नी को रूपवान जमाता चाहिए, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ चले। नहीं स्वामी, ये भ्रमित कर रहा है, सत्य तो कुछ और ही है। देवकाम, शिल्पकार होने के नाते मैं निर्जीव पाषाण और शिलाओं में प्राण फूंकता हूं। एक बार से जीवित व्यक्ति को रूपवान बनाने की, आप जाइए प्रजापति कक्ष, मैं आपके दरबार में अवश्य आऊंगा। आएंगे आएंगे। ओ नंदी, नंदी भी देख रहे हैं। जाओ जाओ, जाकर मेरे स्वामी के आगमन की तैयारी करो। और एक बात, मेरे स्वामी बहुत ही हठी है, कभी भी किसी भी समय कुपित हो जाते हैं, इसलिए उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ गए? और एक बात, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी पुत्री सती के विवाह के लिए हो रहा है, इसलिए तुम्हारी पुत्री मेरे स्वामी का स्वागत करेगी।
देखो पुत्री, मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। ये नहीं कह रहे यार, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। सद्विष की कायाकल्प करने वाले शिल्पकार को मैंने ढूंढ लिया। आज ही आएंगे। बस वो यहां पहुंचता ही होगा, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। किंतु स्वामी, उससे पहुंचने में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो शिल्प का जटा बड़े ही विचित्र स्वभाव और विचित्र प्रकृति का है। वो अपने मन की सुनता है और अपने मन की करता है, परंतु उसकी कला में एक अद्भुत चमत्कार है, और उसके चमत्कार के लिए मैं स्वयं साक्षी। क्षमा कीजिएगा स्वामी, मैं कदाचित विश्वास नहीं कर पा रही हूं। एक साधारण सा शिल्पकार शतवीर जैसे कुरूप मनुष्य को रूपवान कैसे बना सकता है? किंतु यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस प्रयास में मैं आपके साथ हूं। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, किंतु शिल्पकार चाहता है कि उसके आगमन पर उसका स्वागत सती स्वयं करे। इधर आए ना भाई। क्यों? क्योंकि ये सब सती के होने वाले पति की सुंदरता के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। नंदी जी ने हाँ करवाई है। तो स्वामी, सती तो इतनी अस्वस्थ है, वो अपने शरीर से उठ भी नहीं पा रही है। उठेंगे तो करेंगे, इंजी हो जाएगी ना। कब तक सबे सत्य से मुंह मोड़ते रहेंगे? कि सती की ऐसी दशा का कारण केवल शिव से वियोग है। ओ हो, क्या बात है? ऐसे करते आ रहे हैं, गुण गाते हैं। साध में नंदी जी देखो कैसे मत। सती जी वंदे विष्णु भव भव। ओहो, हाय हाय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हाय। समझ जाएंगे इधर। ये है लीला। अभी कुछ क्षण पूर्व तक सती शैया से उठ नहीं पा रही थी। डोंट वरी। स्वागत तो
आता हूँ। स्वागत तो करे। सोच रहे क्या क्या करना पड़ेगा। लो भाई एक बार मूर्ति बनाने का भाई देख ले के, तब मैं बोल रहा था कि भाई जब प्रजापति दक्ष फाइनल मूर्ति देखेंगे ना तो बहुत एक बार ना हैरान रह जाएंगे और चीज़ें देखना कैसे बदलती हैं। और वही काम हुआ कि आप देख ले कि भाई वो तो इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने महादेव जी को बुला भी लिया और ऊपर से भाई सती जी को बोला आप वेलकम करेंगी। और सोच रहे थे कुछ देर तो पहले इनकी तबीयत नहीं थी ठीक, अब एकदम से आ भी गई हैं तो अब चीज़ें ठीक होने लगी हैं भाई। ये आगे आगे मज़ा आएगा। और भाई नहीं सही बात है, इसमें कोई भाई डाउट नहीं, एक सती जी थी तो नहीं ठीक है, लेकिन जब एक संगीन सुना है ना तब हर चीज़ मतलब के भूल चुकी हैं और इधर मतलब के आकर एक स्वागत करने लगी हैं महादेव जी। बिल्कुल ऐसे ही हम भी ये चीज़ जो है ना वो नहीं सोच रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी वो आएंगे वो तो भाई जैसे प्रजापति पहुँचे हैं साथ जो है ना वो भी आ गए हैं पीछे और साथ ही अपना जो है ना वो जो मतलब सॉन्ग है वो जैसे ही सती जी के कानों में पड़ा है तो वो खुद सारे हैरान हो रहे थे कि ये हो गए। लेकिन ये कि प्रजापति थोड़ा सा गए डाउट में कि अभी तो थोड़ा सा बीमार थी आप इसको जाने, लेकिन ये कि यार मजा आ गया यहाँ जब प्रजापति दिनों से परेशान थे सारे हम। हाँ, परेशान थे लेकिन प्रजापति जब वापस आए हैं ना तो उन्होंने हर चीज बताई है। एक दफा तो भाई एक मतलब के प्रसूति जी एक मतलब के बिलीव ही नहीं कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है, ये कोई नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। लिहाजा आपने देखी है चीजें तो आप पर बिलीव भी है, चलो ठीक है करते हैं। लेकिन एक सती जी ने भाई पहचान लिया एकदम से, पहचान लिया लेकिन हम खुद परेशान है कि पहचाने जा सकते हैं, हालांकि देखा हुआ तो सभी ने है। नहीं नहीं ऐसा रूप जो धारण किया ना एक नॉर्मल नहीं पहचान सकते सती जी के अलावा, ऐसे ही लग रहा है जैसे मतलब के नॉर्मल एक मनुष्य ही है। चलो लेकिन ये कि अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वो आ तो गए हैं तो आगे चीजें इंटरेस्टिंग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।